दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि मैं 2 घंटे पढ़ने का गोल बनाया था पर 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाया। मैंने 10 घंटे पढ़ने का गोल बनाया था और आधे घंटे में औकात पता चल गई। ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ना इसी कारण से खड़ी हो रही हैं। आज की इस वीडियो में ध्यान से देखना, एक एक बात का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने अपने सेमिनार में एक बात कही थी, चलिए उनके मुंह से ही सुनते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। और यही वह सबसे पहला रीजन है, संगति का असर। जिस भी तरह के लोगों के साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। जिस भी तरह के लोग के साथ रहते हो आपकी हरकतें भी वैसी होती हैं, और आपकी हरकतें भी डिफाइन करती हैं आपका फ्यूचर। रहने लग जाओ उन लोगों के साथ जिसका एक मकसद है, पर्पस है, जिसके लिए वह जीने मरने को तैयार है। आज से अगर रहने लग गए ना, कल से ही आपको जिंदगी में नए बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। यह था पहला रीजन। और दूसरा जो कारण है वह मोबाइल फोन रेडिएशन। पहले एक कहावत होती थी, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन अब कहावत बदल चुकी है, नए जवानी की कहावत आ गई है, कलयुग की कहावत आ गई है। और वह हो गई है, जब तक खाएंगे नहीं रोटी और सब्जी तब तक खेलेंगे नहीं मोबाइल से पबजी। अरे कब तक खेलोगे पबजी को, कब तक चलाओगे मोबाइल को। आज ही अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें डिलीट कर देना जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता कि मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल बहुत काम की चीज़ है। इससे बड़ी काम की चीज़ पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, लेकिन इससे बेकार चीज़ भी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी छोटे से मोबाइल में जाकर चिपक गई है, एक छोटे से मोबाइल में घुस गई है तुम्हारी जिंदगी। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना कि मैं जिंदगी में क्या करूँगा। जिस इंसान के पास इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे नहीं लगता उसकी ज़िंदगी में कोई भी डिस्ट्रेक्शन छू भी पाएगा। और अगर इसका आंसर है उसके बावजूद भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ना तो तुम कुछ कर सकते हो और ना मैं। भगवान भी अगर आ जाए ना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अपने एक जिंदगी में तुमने एक ही सपना देखा हो, वो भी खोखला निकला, सपने में जान नहीं है, तो ऐसा सपना किसी काम के नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह नहीं पता कि मैं जिंदगी में क्या करूँगा, फिर भी अपने आप से वादा करो आज की मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा पूरे दिल और दिमाग से करूँगा। और उस काम को करने के लिए अपना 100% लगा दूंगा। और कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकल आएगा कि मुझे क्या करना है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और फिर वो अंदर से आवाज आएगी कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जो सपने को पूरा करना है, एक मकसद है मेरी जिंदगी का, उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना होगा। यही वो 3 कारण है, संगति का असर, मोबाइल फोन, और अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना, प्रश्न नहीं करना कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना #, मैं पढ़ूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।